एवरीवन मैं वर्षा अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर तो जैसा कि अभी आप लोगों का 26 नवंबर 2021 का एग्जाम हुआ है तो उसी की मैं कंप्लीट आंसर्स की लेके आई हूँ जो कि मेमोरी बेस्ड है जैसे कि मेरे पास कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं तो उन्हीं को मैं आंसर्स के साथ डिस्कशन कर रही हूँ कि उसका कंप्लीट और एक्यूरेट आंसर क्या होगा तो कम्प्लीट आंसर देखने के लिए आपको पूरी वीडियो को एंड तक देखना होगा तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और आप अगर सभी सब्जेक्ट की डिटेल्ड में नॉलेज चाहते हैं तो मैं अनएकेडमी पर वेरीफाइड प्लस एजुकेटर हूँ और वहाँ पर मैंने ऑलरेडी न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया है और एक नई यूनिट आपकी फ़िफ्टीन ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होगी अनएकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना है चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड वर्षा गर्ग ज़ीरो एट लगा सकते हैं ताकि आपको सभी सब्जेक्ट की कंप्लीट नॉलेज मिले और आप भी नेक्स्ट टाइम अपना एन टी ए नेट क्वालिफाई करें तो अभी जो हमारा पहला क्वेश्चन जो मुझे पता लगा है वो ये है कि विच ऑफ द गिवेन ऑप्शन प्रोवाइड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एस एम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फंक्शन f1, f2, f3, f4 थ्री एफ फोर क्वेश्चन लिया गया है से जिसमें आपको चार फंक्शन दिए गए हैं एफ एफ टू एफ थ्री एफ फोर दीज आर द फंक्शन आपको इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है कि किसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी किसकी कम आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सो so, एफ वन इज़ इक्वल टू टू रेज टू द पावर एन एफ टू इज इक्वल टू एन एच टू एन की पावर थ्री बाय टू एफ थ्री इज इक्वल टू एन लॉग एन और एफ फोर इज इक्वल टू एन लॉग एन जब भी हमारे क्वेश्चन पावर में होते हैं या लॉग में होते हैं तो हम उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं सिंपली देख के तो आप उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एन एग्जाम्पल तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं लेट एन इज इक्वल टू टू रेज टू सिक्स और इसको लेके मैं सारे ऑप्शंस में पुट करूंगी तो आपको कंप्लीट और एग्जैक्ट आंसर पता लगेगा कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा तो समझिए f1 वन टू रेस्ट टू द पावर सिक्स इज इक्वल टू 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 रेस टू द पावर सिक्स दैट इज टू रेस टू द पावर सिक्सटी फोर एफ टू टू रेस टू द पावर सिक्स इज इक्वल टू टू रेस टू द पावर सिक्स इंटू थ्री बाय टू इज इक्वल टू टू रेज टू द पावर नाइन तो हमें जहाँ जहाँ पर n है उसकी जगह पर टू रेज टू द पावर सिक्स लेनी है ऑलवेज ऐसे क्वेश्चन को बड़ी वैल्यू लेके चेक करते हैं अगर आप n की वैल्यू टू थ्री फोर फाइव सिक्स रखेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा हमेशा कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि छोटी वैल्यूज़ में ऐसा टोटिक नोटेशंस काम नहीं करते हैं तो हमने इसलिए यहाँ पर बड़ी वैल्यू ली है तो यहाँ पर देखें टू रेस टू द पावर सिक्स लॉग टू रेज टू द पावर सिक्स क्योंकि बाय डिफॉल्ट बेस टू होता है तो टू रेस टू द पावर सिक्स सिक्स आपका बाहर आ जाएगा लॉग टू बेस टू तो टू रेस टू दावर सिक्स और लॉग टू बेस टू आपका क्या हो जाएगा वन ठीक है तो ये हो गया सिक्स इंटू टू रेस्ट टू दावर सिक्स नेक्स्ट एफ फोर टू रेस्ट टू द पावर सिक्स इज इक्वल टू एन दैट इज़ टू रेस्ट टू दावर सिक्स और लॉग एन लॉग टू रेज टू द पावर सिक्स एन की जगह पर मैंने हर जगह पर टू रेज टू द पावर सिक्स पुट किया है तो अभी देखिए टू रेज टू द पावर सिक्स एग्जैक्ट रहेगा और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका वन हो जाएगा और यहाँ पर सिक्स बाहर आएगा दैट इज़ टू रेस्ट टू द पावर थर्टी सिक्स तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे छोटी वैल्यूज क्या है सिक्स इन टू टू रेज टू दावर सिक्स ये सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगी देन टू रेज टू द पावर नाइन ये सेकेंड हो जाएगा एंड टू रेज टू द पावर थर्टी सिक्स दिस इज़ थर्ड एंड टू रेज टू द पावर सिक्स दैट इज़ फोर तो अगर हम अरेंज करें तो सबसे पहले आपका आएगा एफ थ्री देन आपका आएगा एफ टू आफ्टर दैट एफ फोर एंड देन F1 तो इस तरीके से हम इसे अरेंज करेंगे तो आंसर मैच करते हैं तो एग्जैक्ट आंसर इज़ F3 थ्री दैट इज़ ये दोनों ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाते हैं देन F2 टू देन एफ फोर एंड एफ वन तो राइट आंसर इज ए तो ए इज़ द राइट आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है अगर यही क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे करेक्ट बताया है तो राइट right आंसर आपका क्या होगा ए अब ये नहीं पता कि ए पे लिखा है या बी पे बट करेक्ट और जो उसकी सिक्वेंस है वो यही होगी एन लॉग एन सबसे पहले आएगा देन आपका एन की पावर थ्री बाई टू आफ्टर दैट एन की पावर लॉग एन एंड देन टू रेस टू दी पावर एंड अब जिस भी ऑर्डर में लिखे होंगे उसी ऑर्डर में आंसर करेक्ट होगा सो so ये था हमारा पहला क्वेश्चन ऐसे ही मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन जितने मेरे पास मेमोरी बेस्ड आए एक कंप्लीट सीरीज़ मेरे प्लेटफॉर्म पे मिलेगी मेरे चैनल पे मिलेगी आपको तो आप वॉच करिए उस पूरी कंप्लीट प्ले को और अपने आंसर्स को चेक करिए कि आपके आंसर्स करेक्ट हैं या नहीं थैंक यू सो मच